स्टोरी से कम नहीं है शक्ति कपूर की लव स्टोरी। श्रद्धा कपूर के पापा ने श्रद्धा की मम्मी को भगाकर कर ली थी शादी, लेकिन जब शक्ति इतने बड़े स्टार बन चुके थे तब उनको ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा? आखिर क्यों उन्होंने शिवांगी को भगाने का रास्ता चुना था, जिसके बारे में शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू में भी खुलासा किया था कि उन्होंने ऐसा कदम किस दबाव में आकर उठाया था, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो आइए जानते हैं फटाफट से इस पुराने किस्से को। दरअसल बॉलीवुड के क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। वहीं उनकी वाइफ शिवांगी कोल्हापुरे भी 80 के दशक की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर विलेन की लिस्ट में शामिल एक्टर शक्ति कपूर की लव स्टोरी एकदम फिल्मी है। जी हाँ, शक्ति शिवांगी को भगा कर ले गए थे। शक्ति और शिवांगी ने साल 1982 में ब्याह रचा ली थी। उस वक्त शक्ति की वाइफ शिवांगी महज 18 साल की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 में आई फिल्म किस्मत से की थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता लीड रोल में थे। इस फिल्म में शक्ति कपूर ने भी काम किया था। दोनों की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। शक्ति और शिवांगी को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि यही फिल्म ही दोनों की किस्मत बदलने वाली है। फिल्म की ओरिजिनल डेट्स काफी लेट हो रही थी, इसीलिए देरी ना होने के लिए शक्ति और शिवांगी के शूटिंग डेट्स को एक ही दिन पर शेड्यूल कर दिया गया था। एक ही दिन शूट होने की वजह से दोनों की मिलने का सिलसिला चल पड़ा। मिलने का असर ये हुआ कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। जब दोनों की इस फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई थी तब दोनों ही अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा दौर जल्द ही खत्म हो जाता है। यही दोनों के साथ भी हुआ। जब फिल्म किस्मत हिट साबित हुई और दोनों का करियर भी आसमान पर पहुंच गया, रातों रात दोनों फेमस हो गए, स्टार बन गए। अब ऐसे में इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार भी हो चुके थे और फिर फिल्म भी हिट हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का बड़ा डिसीजन ले लिया। मगर शादी करना दोनों के लिए इतना आसान नहीं था। शिवांगी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शक्ति कपूर अपने करीब सारी ही फिल्मों में नेगेटिव रोल किया करते थे और कई फिल्मों में उन्होंने रेप सीन भी किए थे, जिससे उनसे लोग नफरत किया करते थे और शिवांगी को उनसे ही प्यार हुआ। और अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए शक्ति कपूर ने खुद बताया था कि शिवांगी और मैंने भागकर शादी की थी। वो महाराष्ट्रियन है और मैं पंजाबी। मैंने विलन की भूमिका निभाई है और मेरी इमेज अच्छी नहीं थी। उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था, इसलिए हमें भागना पड़ा। उसके माता पिता ने शिवांगी को घर में बंद कर दिया था, लेकिन एक दिन वो भाग गई। 1982 में जब हमारी शादी हुई थी तब वो 18 साल की थी। जब शिवांगी ने शादी की तो उनके माता पिता ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। हालांकि मेरे बेटे सिद्धांत कपूर के जन्म के बाद ही सारी सिचुएशन बदली, सब कुछ ठीक हुआ। शक्ति कपूर ने आगे कहा था, जब वो 19 साल की थी तब मेरे बेटे सिद्धांत का जन्म हुआ था। हमारी शादी के बाद पहली बार शिवांगी की माँ ने उनसे बात की थी जब वो हॉस्पिटल में उनसे मिलने आई थी। कुल मिलाकर शक्ति ने अपनी पसंद से शादी की और शादी के बाद उनके दो बच्चे सिद्धांत और श्रद्धा हुए। बता दें कि श्रद्धा बॉलीवुड की बड़े स्टार्स में से एक हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।